हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं दीपी, आपकी होस्ट एंड दोस्त, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में चीज़ें बताते हैं और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ क्लीन मंत्र से रिलेटेड, क्लीन मैनिफेस्टेशन से या किसी भी तरीके के मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस से रिलेटेड आपकी किसी भी प्रॉब्लम को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रॉब्लम को, क्लीन मंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को, तो उन सब चीज़ों का समाधान आपको कहाँ मिलता है, आपके प्यारे इस चैनल दीपी सिचुएशन पे। तो आज का वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है फ्रेंड्स, एंड बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। यूज़फुल उन लोगों के लिए होने वाला है जो बेसिकली बहुत कीन है ये जानने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है, एंड वो काम करवाना चाहते हैं, मतलब वो यूनिवर्स से जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे बिकॉज उनको बेसिक ही नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक क्या है और किस तरीके से वो वर्क करता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं दिस इज़ जस्ट यूजलेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वर्क नहीं करता है। तो ये वीडियो बेसिकली उन सब के लिए है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। तो बिना देर किए हुए चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए बिना किसी लेट हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का टॉपिक आपको थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा और जो कि मैंने आपको बताया भी कि आज का टॉपिक कितना सुंदर होने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना किस तरीके से वर्क करता है, मतलब उसका बेसिक नेचर क्या है। लोगों को यही नहीं पता है, लोग जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाए जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, ये टेक्निक काम करेगा, वो टेक्निक काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा, उस तरीके से काम करेगा, मगर जो उसका बेसिक नेचर है वो मैं देखती हूँ कि वो कहीं पर किसी ने भी एक्सप्लेन ही नहीं किया है कि वो वर्क कैसे करेगा। किसी जैसे हम कंप्यूटर को जब हम लोग स्टार्टिंग में सीखना शुरू कर रहे थे तो क्या हुआ, उसकी लैंग्वेज पढ़ाई गई, राइट, लोगों को उसकी लैंग्वेज बताई गई कि किस तरीके से हम जैसे उसमें ए डाल रहे हैं तो क्या कंप्यूटर भी उस चीज़ को एज ए एक्सेप्ट कर रहा है, क्या ए लैंग्वेज में ही उसे समझ रहा है? नहीं, कंप्यूटर का एक अपना लैंग्वेज है, राइट, बाइनरी लैंग्वेज जिसमें वो 0101 के प्रोसेस में सारी चीज़ें समझता है। हम ऊपर से कुछ भी इनपुट कर रहे हों उसमें, वो जो उसके समझने का लैंग्वेज है वो क्या है, वो 0101 के लैंग्वेज में ही उस सारी चीज़ों की इनपुट को ले रहा है और उस चीज़ों को समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोग्राम ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि वो बाहर के लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता है, मतलब हम आप जो बोल रहे हैं उस चीज़ को नहीं समझ सकता है। वो जो भी इनपुट लेगा ना, हम इसमें कुछ भी डालेंगे, वो अपने उसमें कन्वर्ट कर लेगा 0101 करके और उस चीज़ को ही समझेगा। इसी तरीके से यूनिवर्स की सारी चीज़ें चलती हैं, राइट। तो यूनिवर्स का रूल क्या है? यूनिवर्स का रूल भी यही है, यूनिवर्स का रूल भी यही है कि जो हम बोल रहे हैं ना यूनिवर्स तक वो बात नहीं पहुंच रही है। यूनिवर्स ने भी अपना एक रूल बनाया है कि जो साउंड वाइब्रेशन नहीं, जो आपके माइंड का जो वाइब्रेशन है ना, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो ठीक, तो यूनिवर्स कौन सी लैंग्वेज समझता है? जो आपका ब्रेन, जो आपकी माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेज रहा है ना, यूनिवर्स ना वो वाइब्रेशन एक्सेप्ट करता है, राइट। तो अब समझ में आया कि क्या बेस है, तो हमें क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड को अपने ना हमें प्रोग्राम करना है। किस लिए? जो भी चीज़ें आप अच्छी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में बेस्ट चाहते हैं ना, वो चीज़ें हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना है। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, जो हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, वर्बली कर रहे हैं। वर्बली यूनिवर्स में नहीं जा रही है, वो 100% वहाँ नहीं पहुँच रही है। क्यों नहीं हो रही है? आप इसका लॉजिक समझिए, ठीक है। अब मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, मगर आप प्रेजेंट टेंस में इस चीज़ को होकर के सोच लीजिए कि आपके पास पैसे आ गए हैं, आपको अच्छी जॉब मिल गई है, ठीक है, आप तो कह रहे हो
ठीक है, आप अपने ब्रेन को भी ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो, नो हमें प्रेजेंट टेंस में हो करके चीज़ों को समझना है, समझो कहो, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, अरे पागल है क्या, इतनी प्रॉब्लम्स है घर में, कहाँ पैसे आ गए, कहाँ हैं, तो ये यूनिवर्स में वाइब्रेशन क्या भेज रहा है, वो कह रहा है अरे यार ये तो बेवकूफ़ी है ना, क्यों कह जा रहे हो, है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, जब ऐसा नहीं है क्यों कह रहे हो। तो जो सबकॉन्शियस माइंड जो वाइब्रेशन भेज रहा है यूनिवर्स में वो क्या है, वो नेगेटिव जा रही है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत स्मार्ट है, वो क्या करता है इस चीज़ में डिफरेंस कर लेता है कि क्या सच हो रहा और क्या नहीं हो रहा है। तो हम जैसे आपको मैंने आपको पहले की कुछ वीडियोस में भी बताया है कि हमें ना छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए, हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम अपने माइंड को ना चीट कर सकते हैं। जैसे आपको सुबह उठना है, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, आपको 8 बजे उठने की आदत है, आप जल्दी 6 बजे उठना चाहते हो, 4 बजे उठना चाहते हो, 5 बजे उठना चाहते हो, तो किस तरीके से करें, तो क्या करोगे आप, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पहले, मतलब 15 मिनट पहले उठ गए, फिर आधे घंटे पहले उठ गए, फिर 45 मिनट्स पहले उठ गए, फिर 1 घंटे पहले उठ गए, इस तरीके से हम धीरे धीरे थोड़ा 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 करके अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि यस अब ये टाइम है मेरा, अब उठने का टाइम है। अब जो बंदा 8 बजे उठ रहा है उसको अचानक से कह दिया जाए कि अरे यार अब तुम 4 बजे उठने वाले हो, उठ जाओ, तो क्या वो उठ पाएगा? यस, एक दिन उठेगा, 2 दिन उठेगा, 3रे दिन उसका ब्रेन और बॉडी क्या बोलेगी उसे, सो जाओ यार, छोड़ो, क्या ज़रूरत है, अरे बकवास है, ये सब बेकार है, ये सब छोड़ दो, सो जाओ, ऐसा करके क्या करेगी, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है उस चीज़ के लिए, राइट। ब्रेन जो आपका है वो उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं है, उसके लिए ट्रेंड नहीं है, इसलिए वो आपको उस चीज़ को करने को मना करेगा और बोलेगा ये सब बकवास है, उसको छोड़ दो, मत करो, राइट। तो कभी भी जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को स्टार्ट करना हो ना, दो चीज़ हमें माइंड में रखना बहुत ही ज़रूरी है, वन है लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड सेकेंड इज़ कि हमें माइंड को अपने धीरे धीरे ट्रेन करना है, मतलब स्लो एंड स्टडी, एक बारी झटका नहीं देना है। मतलब अगर आप 5,000 रुपये कमाते हैं और आप कह रहे हो अपने माइंड को अचानक से कि मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, नहीं, इस तरीके से ना करें, माइंड आपका इस तरीके से चीट नहीं होगा, ब्रेन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि इस तरीके से आपसे चीट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, स्लो स्लो कि यस मैं उतना कमाने के रास्ते में आ गया हूँ, अब मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल रही है एंड मैं आगे अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। कोई जॉब के लिए कहना चाहता है तो ये नहीं कि जॉब मिल गई है, यस मुझे जॉब मिल रही है, देखो मुझे इतने अच्छे ऑप्शंस मिले हैं, अरे वो जो कंपनी है वो मुझे अप्रोच कर रही है, मैं उसको बताऊंगा, मेरे को सबसे अच्छी सैलरी मिल रही है, अपने ऑफिस में मुझे सबसे अच्छी सैलरी मिल रही है, राइट। इस तरीके से हमें अफर्मेशंस अपनी करनी है कि माइंड को भी ये लगे कि यस इट्स लॉजिकल, मतलब मिल गई है, और माइंड कह रहा है कि नहीं यार क्या बेवकूफ़ी है, मेरे घर में तो खुद कमाने को नहीं है और किसी के पास पैसे नहीं है, ये कह रहा है कि मेरे को 50,000 मिल रहे हैं, मेरे को इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, नहीं, इस तरीके से हम चीट नहीं कर सकते अपने ब्रेन को। अपने आप को हम वर्बली हम ज़रूर बोल सकते हैं, बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इस तरीके से चीट नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और श्री भगवान के चरणों में लगे रहें।